हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के स्टार ब्लॉगर। आज काफ़ी समय के बाद मैं बाड़ी के से पहले धौलपुर ज़िले में 5 किलोमीटर दूरी पर एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिस तालाब का नाम है तालाब शाही। और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और तालाब को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो तालाब बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, अभी आगे लेके चलता हूँ आपको। तो गाइस मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ये जो पीछे आपको वहाँ तक दिख रहा है, वहाँ तक जो रास्ता दिखाई दे रही है, जहाँ तक ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये पीछे जो तालाब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूर दूर तक तालाब की कोई किनारा नहीं नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा तालाब बना हुआ है और अंदर जो बना हुआ है बहुत ही रोमांटिक सीन है, यहाँ देखने के लिए चीज़ है। ये देखिए, ये घूमट जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर मैं चढ़ करके जाता हूँ और दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, ये जो बना हुआ है घूमट जैसा, ऐसा ही पीछे का नज़ारा देखिए आप, पीछे कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए पीछे तालाब जो दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से वहाँ तक इसका जो किनारा है, यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तालाब की बहुत ही अच्छी खासियत है, कुछ भी बताया गया है यहाँ तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन और आगे लेके चलता हूँ यहाँ से, तो बने रहे वीडियो में। अभी लेके चलता हूँ, ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है यही एक रास्ता है, और अंदर जो तालाब बना हुआ है वहाँ तक लेके चलूँगा और अंदर की वीडियो दिखाऊँगा आपको। दोस्तों बने रहें वीडियो में। ये देखिए, ये जो रास्ता गया है आगे, ये पीछे तालाब दिखा रहा है, इधर भी तालाब है और इधर भी तालाब है, लेकिन दोनों साइडों में तालाब बना हुआ है और इधर पीछे तक जहाँ तक वो नज़र दिख रहा है वहाँ तक कोई भी किनारा नहीं दिख रहा है। और इसमें जो पानी है बहुत ही गहरा पानी है, इसमें बताया गया है यहाँ पर कोई नहाता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बताया है कि घड़ियाल जैसे मगरमच्छ भी रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं। तो यहाँ से और आगे के लिए लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे वीडियो में कि है क्या इसके अंदर और भी। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, कितना अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ये जो नज़ारा देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ का देखने के, एक बार ज़रूर यहाँ करके यहाँ आप लोग देखें। तो ये देखिए दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को यहाँ का पूरा रहस्य बताएंगे अभी भी।
आपको पीछे का वीडियो दिखाया और एक साइड में और चला हूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो तालाब का जो निर्माण हुआ था वो शाहजहाँ ने कराया था। 1722 ईस्वी में इस तालाब का निर्माण कराया था। और यहाँ पर ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है इसके बारे में भी बताता हूँ तुम्हें। ये पीछे की साइड में ये देखिए, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ तो पीछे दिखाएं। ये जो पीछे की साइड में ये जो पहाड़ से दिख रहे हैं, उन पहाड़ों पर जब बारिश होती है भारी बारिश के कारण यहाँ पर जो बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो इस तालाब में ही इकट्ठा होकर के आ जाता है। जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, इस तालाब की गहराई जो बताई है कम से कम 1212 फुट है, 12 फुट के अंदर जब तालाब में पानी ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा होने के कारण ये जो फुल हो जाता है, तो कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ इधर की साइड में आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। तो ये जो फुल हो जाता है ना यहाँ पर, जब फुल होने के कारण में यहाँ उफान हो जाता है और इधर के जो किसान लोग रहते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है पानी की सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर ये जो बनाया गया है, ये चाबी है इसकी, और यहाँ पर इसके अंदर जो गड्ढा बना हुआ है इसके नीचे होके पानी निकल के उधर साइड में जाता है, ये पीछे की साइड में निकल के जाता है और वहाँ से ही किसान लोग सारे अपनी सिंचाई करते हैं और फसल उगाते हैं। तो गाइस, आगे की वीडियो में अभी आगे और दिखाऊँगा और आगे की जानकारी भी दूंगा आपको। तब तक बने रहें दोस्तों चैनल में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।
को बीच में वीडियो जो दिखाई थी उसी में से एक भाग ये भी है, मैं पीछे रह गया था तो मैंने अभी देखा इसमें आकर के। ये जो कुर्सी पे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर राजा खुर्रम के नाम से एक राजा थे जिन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था, और वो राजा जी यही इसी कुर्सी पर बैठते थे, इसी कुर्सी पर बैठ करके इस तालाब की देखभाल करते थे, और यहाँ का जो आनंद था वो इसी कुर्सी पर बैठकर लेते थे, और यहाँ का नज़ारा इसी कुर्सी से बैठकर देखते थे। ये जो जगह है, एक स्थित जगह, इतनी अच्छी जगह है कि आपको जब भी मौका मिले तो धौलपुर से आगे बसेड़ी से पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है जिस तालाब का नाम है साही ताल के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पर आएँ और एक बार इस पर देख करके जाएँ, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है देखने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि एक से एक चीज़ बढ़िया दिखाई है। आपको वीडियो को मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट में बताएं अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। We'll be right back.
far. Love me, or leave me, but don't hold me hostage, hostage. With this back and forth, this back and forth. Feeling so low, just say yes.